Hello and welcome back to the channel. आज we are going to discuss four of the, maybe three of the articles. यहाँ पे ज़्यादा relevancy नहीं है. देखिए आपको मैंने भी कुछ दिन पहले जितना मारे बताया था, मुझे लगता है उतना ही अच्छा है. मैं वेट कर रही थी कि cooperatives पे कोई आए editorials, तो यहाँ पे आए तो हैं आज तो, but देखते हैं. यहाँ पे बताया गया कि कॉपरेटिव दो टाइप के होते हैं, या तो प्रोड्यूसर ओन या कंज्यूमर ओन. प्रोड्यूसर ओन्ड कॉपरेटिव क्या होते हैं, वो प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का. और जो कंज्यूमर कॉपरेटिव्स होते हैं वो इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक फर्टिलाइजर, सीड, फ्यूल, ग्रॉसरीज, हाउसिंग, हेल्थ एंड अदर सर्विसेज. इन रियलिटी के ऑथर ये कह रहे हैं कॉपरेटिव्स मोस्टली क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के उसके अंदर ही टैंकी के अंदर रह जाते हैं और मेंबर ओन्ड कम रह जाते हैं, ठीक है. चाहे आप अमूल की बात कर लो या कुछ भी कर लो, जेन्युइन प्रोड्यूसर एंड यूज़र ओन्ड कॉपरेटिव जो होते हैं वो वर्स्ट ऑफ टाइम के हो गए. स्टेट एंड प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइज का एक मिक्स हो गया जो कि वर्स्ट टाइप का. अभी जो नई मिनिस्ट्री बनी है वो हेडेड बाय अमित शाह है, हमारे होम मिनिस्टर. उसे ऑथर कह रहे हैं अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिक्कतें चल रही हैं, जो ओवर बियरिंग सेंटर का जो कहा जा रहा है, क्योंकि देखो कॉपरेटिव एंड ऑल आता है स्टेट के अंदर, तो अभी जो मिनिस्ट्री बन गई इससे होता है कि ये दिखाया जाए कि सेंटर फेडरल स्ट्रक्चर को रोक रहा है और ये इसमें एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है. इवन ग्रास रूट से, मतलब कॉपरेटिव सबसे ग्रास रूट का है, ठीक है. अब ये बताया गया है कि कॉपरेटिव्स हमेशा वल्नरेबल नहीं है पॉलिटिक्स से, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस से, और उनको अलाउड तो कुछ हुआ ही नहीं है कि अपने कमर्शियल एंटरप्राइज को कंट्रोल और अकाउंटेबल खुद से करा सकें, ठीक है. अब ऑथर कह रहे हैं डैट सेड कोई डाउट नहीं कि कॉपरेटिव स्मॉल प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोड्यूसर्स को पावर देती, पर क्यों ऐसा कॉपरेटिव रेस्टोरेंट क्या है वो बजट ओनर्स के लिए नहीं बना है, पर जोमैटो, उबर, ओयो जैसी ऐप से वो कर रहे हैं, क्या वो कॉपरेटिव बना के काम नहीं कर सकते थे. अभी एक ऑथर कह रहे हैं एज द मिनिस्टर इज बिल्डिंग इनॉमलस क्लाउड, द लीस्ट शाह कैन डू इज़ टू मेक इट ईजियर फॉर कॉपरेटिव टू डू बिजनेस. चाहे रजिस्ट्रेशन हो, वाइंडअप हो, लिबरेट कर सकता है. सबसे पहले टू स्टार्ट विद मल्टी स्टेट कॉपरेटिव को हटा दिया गया, वो गवर्नमेंट की ट्रैंकी से लिबरेट करना, ठीक है. सारे ऑथर कह रहे हैं बीजेपी रूल जो स्टेट है वो एक लेजिस्लेशन इनैक्ट कर सकते हैं जो कि कंपैटिबल हो मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी के साथ. कॉपरेटिव्स को आरबीआई के अंदर ला सकते हैं, ठीक है. कॉपरेटिव्स कैन डू विदाउट मल्टीपल रेगुलेटर्स एंड थ्राइव एज अ ट्रूली मेंबर ओन्ड. ऑब्वियसली आप सिर्फ इतने इतने मल्टी स्टेट अलग है, रूरल अलग है, आप सिर्फ एक हेड के अंदर ला दो और मल्टीपल रेगुलेटर्स के ना रखो. इससे क्या होगा कि इधर का उधर उधर का एक जगह एक काम होता है वो ज़्यादा आराम से हो पाता है, ठीक है. प्रॉब्लम्स नहीं होती मिनिस्ट्री के बीच. इंडिया नीड्स टू बी मैनी मोर अमूल्स अलॉन्ग साइड अंबानी, अदानी से दादा ऑर्डर दिए. कह रहे हैं यहाँ पर देखो सिर्फ इतनी बात बताई गई कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव बनाया गया, वही चीज़ है और कुछ नहीं है. यहाँ पर बताया गया, ये एक एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हैं कॉपरेटिव. अमेरिकन से बनाया कि कहा है कि स्मॉल नॉन ब्रांडेड दे डू हैव अ स्मॉल नॉन ब्रांडेड कमोडिटी मार्केट, उनके पास एक है. स्कैंडिनेवियन ने भी अलाउ कर दिया है कि ये कराए कि मार्केट ड्रिवन वेजेस ना चले, एक पैसा जो लगे उस ड्रिवन से वेजेस मिले. आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, समझो देखो डेयरी कितने बड़े कॉपरेटिव्स हैं. क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर हेडिंग टू, अभी इसी के चक्कर में RCEP को इंडियन ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वहाँ की मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जो इंडियन मार्केट्स को फ्लड कर देगा, ठीक. यहाँ पर फिर बाकी कहानी बताई कि कैसे वर्गीज कुरियन जो हमारे फादर ऑफ द मिल्क रेवोल्यूशन, उन्होंने कैसे क्या किया कॉपरेटिव्स को एक लाए. कॉन्सेप्ट क्या है, अब सोशल कॉपरेटिव्स का मतलब क्या होता है. कम्युनिटी से एक साथ आए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें, लोकल मटेरियल और फैमिली लेबर को यूज़ करें. अभी पैंडमिक के टाइम कॉपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा सिग्नल्स पता चल गया. ये वैक्सीन हेजिटेंसी को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब ये होता है ना कि आप दो कॉपरेटिव्स को इंकरेज करिए कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए. फूड दे सकते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, लुकिंग आफ्टर ऑर्फन चिल्ड्रन एंड इंपरेटिव क्राइंग फॉर द कॉपरेटिव मॉडल. देर इज, अब ऑथर ने कहा कि कॉपरेटिव देखो एक हमारे महात्मा गांधी की, देखो आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे, उसमें ये दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में महात्मा गांधी जी की, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि महात्मा गांधी जी के ने के अंदर कौन कौन से थे. तो एक तो उन्हें कॉपरेटिव का, काउस का, लिकर नहीं पीने का, ये सब किया था. तो ये एक आइडिया महात्मा गांधी के उससे भी आता है कॉपरेटिव की मिनिस्ट्री बनाने का. उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडी इज़ ग्रीड. अब पैंडेमिक को फॉलो करना पड़ेगा. कॉर्पोरेट फाइनेंस का कॉपरेशन एज अ लॉट टू स्पीक फॉर, वन होप्स दैट न्यू मिनिस्ट्री टेक्स इट मैसेज. अब देखने वाली बात है कि कॉपरेटिव्स कहाँ आगे जाती है. अब लास्ट आर्टिकल वी गोना टॉक अबाउट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, जो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है. आप देख रहे हैं ना, एक तो आपने देखा वो जुडिशियल रिव्यू
जुडिशियल एक्टिविज़म। अब यहाँ क्या हो रहा है, जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है, ठीक है। कैसे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव से अभी बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, और ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ यू विल एनालाइज दैट नाउ जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ टर्निंग टू अ जुडिशियल ओवर रीच। तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि जो दिल्ली बेंच थी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान ऑक्सीजन की सप्लाई से रोकेगा तो उसे हैंग कर देंगे। इवन जब मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो ऐसे काम कर रहा है इलेक्शन कराने पर तो मर्डर चार्जेस लगने चाहिए, और तो ऑथर ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम बाद दिया एक मतलब बात बोली, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा हार्श एंड इनअप्रोप्रिएट है कि जुडिशियल सिस्टम इतना ज़्यादा ओवर रीच कर रहा है अपनी पावर को और रिस्ट्रेन नहीं रखा, देयर इज नीड फॉर अ सुपीरियर कोर्ट्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन। अब ऑथर कह रहे क्वेश्चन इस वक्त क्या है कि क्या व्हाट कॉजेज, क्या ऐसा हो गया कि जुडिशियल जो जुडिशरी है वो अब ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स बना रही है, रूल असाइन करी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको नहीं दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने जुडिशियल रिव्यू का जरूर दिया, पर वो जब लेजिस्लेशन बनने के बाद जुडिशरी के पास पावर आता है देखना कि वो लॉ है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। पर अभी जो जुडिशरी वो सीधे लेजिस्लेशन का ही पावर ले रही कि आपको ये करना चाहिए, आप ये करिए, आप ये करिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ऑथर कह रहे हैं क्या इज़ द एक्स्ट्रॉर्डनरी हार्ड वर्क दैट जजेस नीड टू पुट इन ऑर्डर टू कीप अप विद देयर एवर इंक्रीजिंग फाइल्स ऑफ केस फाइल्स। ऑथर कह रहे हैं क्या आप ये अपने केस फाइल्स के बारे में देख रहे हैं जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, या फिर उन्होंने इस चीज़ को भूल ही गए। अब एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिनरी एसोसिएशन, ये बहुत अच्छा जजमेंट, इसमें ये बोला गया है आप पढ़ लीजिए, अच्छा जजमेंट है। विजडम ऑफ द लेजिस्लेटर इन अडॉप्टिंग द पॉलिसी कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू। इसका मतलब जो विजडम पावर है लेजिस्लेचर के पास एक एक्ट बनाने की, वो जुडिशरी नहीं ले सकता है। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट एक्सटेंड टू री अप्रिशिएटिंग द एफिकेसी ऑफ द लेजिस्लेटर पॉलिसी अडॉप्टेड इन अ लॉ व्हिच हैज बीन इनेक्टेड बाय द कंपीटेंट लेजिस्लेचर। बहुत अच्छा जजमेंट। अब ऑथर कह रहे हैं एंड में कि कोर्ट को नेवर डिसरिगार्ड, कोर्ट को ये डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने पीपल ऑफ द इंडिया बनाया। इसका मतलब पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनेंगे, खुद इलेक्ट करेंगे हर 5 साल में, और वो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ टू सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही मतलब उनके सामने अकाउंटेबल होंगे। तो जुडिशरी कैसे लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल ठहरा रही है? द पीपल ऑफ इंडिया इन टर्न हैव द राइट एंड पावर टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन इफ दे डोंट लाइक द लॉज एनेक्टेड बाय द पॉलिसी फ्रेम बाय देम। तो ऑथर कह रहे हैं कि अगर लोगों को नहीं पसंद आएगा तो सीधे एग्जीक्यूटिव चेंज कर देगी ना लेजिस्लेचर, आपको जाके उनकी अकाउंटेबिलिटी लेने की क्या ज़रूरत है? अब आप इलेक्टेड लोगों के तो ट्रायंकी को हटा देंगे, ये जो अनइलेक्टेड लोग की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ रही उसको कैसे रोका जाएगा? ऑथर एंड में यही कह रहे हैं कि वी ऑल नो कि कैसे पेंडिंग केसेस पाइल अप हो रहे हैं हर पासिंग डे के साथ। क्या इस टाइम अब फिर ये यूज़फुल नहीं होगा कोर्ट अपना टाइम हियरिंग में यूज़ करे प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डनरी फोर, ना ऐसा ना करे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पावर को पूरा लिए ले रही है, ओरिजिनल स्कीम जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उसको ही ओवर रीच कर दी जा रही है। आई थिंक दिस वॉज अ रियली गुड आर्टिकल, आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ टूडेज। सो दैट इज़ इट फॉर टूडे। यहाँ पे बस ये स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया गया, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस यही बार बार यही बात हो रही है कि स्कूल एजुकेशन को आपको खोलना चाहिए एकदम से नहीं, बट जो लॉस जा रहा है उसके पे है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।